दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के जेर एहतमाम नीला गुंबद से मस्जिद शहदा तक कश्मीर कारवां निकाला गया, जिसमें चेयरमैन दिफाए पाकिस्तान कौंसिल मौलाना समीउल हक, जमात उद्दावा के अमीर प्रोफेसर हाफिज सईद और अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की। कश्मीर कारवां में हाफिज अब्दुलरहमान मक्की, इब्तिसाम इलाही जहीर, हाफिज ताहिर अशरफी, अब्दुल रऊफ फारूकी, पीर सैफुल्ला खालिद, हाफिज अब्दुल गफ्फार, माविया आजम तारिक समेत दीगर कायदीन ने शिरकत की, जबकि कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने शुरका से टेलीफोन पर खसूसी खिताब भी किया। मौलाना समीउल हक ने कहा कि 65 साल से भारत कश्मीर पर काबिज है। हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा कि दीन इस्लाम का रास्ता हमवार हो रहा है, उम्मत मुस्लिमा में बेदारी की लहर पैदा हो रही है। जमात इस्लामी लाहौर के जेर एहतमाम भी लाहौर हाईकोर्ट से नासिर बाग तक रैली निकाली गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन, मियां मकसूद अहमद, आबिद मीर, अहमद सलमान बलोच, नदीम बारा, सैयद सलाउद्दीन, ज़िक्रियाउल्लाह मुजाहिद, अनवर गोंदल, शाहिद नवीद मलिक और हाफिज महमूद जमात इस्लामी के कारकुनों, खवातीन और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि मसले कश्मीर को किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम शालामार बाग से लाहौर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम योम यकजहती कश्मीर के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अमजद खान ने खसूसी शिरकत की। अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकल आएगा। हमें कश्मीर को भी आजाद कराना है, लेकिन ये भी सोचना है अमरीका भाग रहा है तो सुन ले मन में हम, अगर अमरीका भाग रहा है तो तुम्हें भी कश्मीर छोड़ना पड़ेगा। चेयरिंग क्रॉस पर मुस्लिम लीग नून लाहौर के जेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे में सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर, मियां मोहसिन लतीफ समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहरा किया, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा अजीज़ुर्रहमान चंद, ज़िक्रिया भट्ट, अफनान भट्ट, इरशाद अली भट्टी, चौधरी नईम समेत दीगर जयालों ने शिरकत की। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस कॉज को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हल कराएंगे। टेबल टॉक में इंशाल्लाह नवाज शरीफ के जर क्यादत कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कश्मीर को आजादी मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेर एहतमाम भी गार्डन टाउन में कश्मीर डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरुख जावेद मून, शेख आमिर और तहरीक इंसाफ के वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरुख जावेद ने कहा कि तहरीक इंसाफ इक्तदार में आकर मसले कश्मीर के हल के हवाले से इकदाम करेगी।